नमस्कार, ये इनविटेशन आप सभी के लिए है। एक ऐसे गेम का हिस्सा बनने का इनविटेशन जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहां मैं आपका क्यूरेटर हूं, जो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जैसी आपने पहले कभी नहीं की होगी। मैं हर दिन आपको एक एक टास्क दूंगा, कुछ रोमांचक कुछ डरावना, जैसे अपनी बाकी पूरी जिंदगी अपने शरीर के हिस्सों को काटना पीटना, एक डरावनी फिल्म देखना, किसी जानवर को मारना वगैरह। जो काम मैं आपको दूंगा उनके सबूत के तौर पर आपसे उनकी तस्वीरें भी मांगूंगा। अगर फोटोशॉप करने या धोखा देने की कोशिश किसी ने की तो मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको और आपके परिवार को उसकी सख्त सजा भी दूंगा। तो इस अल्टीमेट गेम में आपका स्वागत है, ऐसे हैरतअंगेज खेल जिसके बाद आप कोई गेम नहीं खेल पाएंगे, ऐसा खतरनाक खेल जिसके अंत में आपको मरना ही होगा। जी हाँ, आपने 50 स्टेप्स के अंदर अपनी मौत का इनविटेशन अभी अभी स्वीकार कर लिया। अब आप पीछे नहीं हट सकते, तो करते हैं शुरुआत इस गेम की। होगा कि ये वाला जो सेशन है इसका मूड पिछले सेशन से थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे आई थिंक नन ऑफ द पैनलिस्ट विल बी सिंगिंग एनी सॉन्ग्स फॉर श्योर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग सबने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जो है हर तरीके से बदल रही है। हम लोग ने टेक्नोलॉजी का एक टाइम एक तरीके से देखा है। आज इफ़ यू टेक अ लुक एट योर स्मार्टफोन, आप अपनी स्मार्ट वॉचेज होंगी आपके पास, फिटनेस बैंड्स होंगे आपके पास, तो इफ़ यू एक्चुअली चेक तो टेक्नोलॉजी आपको टाइम बिल्कुल ठीक बताएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी का शायद खुद वक्त इतना अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आप देखें जितनी सुर्खियां हैं, ऑल द हेडलाइंस दैट यू सी नाउडेज इज़ यूजुअली नेगेटिव अबाउट टेक्नोलॉजी। हर तरीके से इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डेडली। द सोशल मीडिया इज़ बिकमिंग द डेडली फेस ऑफ कम्युनिकेशन। एक एग्जाम्पल है, आई थिंक आप काफ़ी लोगों ने सुना होगा और हम लोग ने इसके बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई थी अबाउट द ब्लू व्हेल चैलेंज। इसमें एक इनविटेशन है जिसमें कि अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स आर जॉइनिंग इन, उनको ढूंढा भी जाता है और वो खुद भी इस गेम और इस चैलेंज को ढूंढते हैं, जहाँ पे 50 स्टेप्स में दे हैव टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर चैलेंज टू अनदर चैलेंज। बहुत सिंपल चैलेंज होते हैं, पहले 10-12 दे एक्चुअली इन्जॉय द अटेंशन, दे इन्जॉय द एडुलेशन, और उसके बाद एक करके एक दे बिकम मोर एंड मोर डेडली, और इवेंचुअली द इन्विटेशन इज सुसाइड। Actually, you have to kill yourself, and there are now lots of cases jahan pe ye prove ho chuka hai that this game is being played, it is being played in thousands, and already the first few deaths have taken place. Ek app hai Saransh, jo ki aap khud hi attract karte hain anonymous trolls ko. Aur kya hai attraction? The attraction is that they should come and criticize you, not just criticize you with something negative, balki us tarike ki online brutal trolling jo shayad aapne aaj tak kabhi nahi padhi hogi. Agar hum log Twitter ya Facebook mein kabhi aisa pad lete hain apne bare mein to we are actually in tears, but yahan pe jo account kholte hain they want people to write really negative comments about them, criticize them. A typical galiyan dena is a very normal thing. हर रोज़ एक नई चीज़ आ रही है सोशल मीडिया में, दैट इज़ मेकिंग इट मोर डेडली। आज सुबह ही एक और चैलेंज के बारे में मुझे बताया गया, एंड दैट इज़ द हॉट वाटर चैलेंज। आपने आइस बकेट चैलेंज के बारे सुना होगा, हॉट वाटर चैलेंज थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें आपने उबलता हुआ पानी लेना है, उसमें टेम्परेचर आपको एक्चुअली टेस्ट करना है दैट इट शुड बी एब्सोल्युटली बॉइलिंग हॉट, और किसी अननोन विक्टिम जिसको नहीं पता कि आप उनके ऊपर ये पानी फेंक देंगे, यू टू गो एंड थ्रो अ बकेट ऑफ वाटर। इफ़ यू फेल और आप नहीं कर सकते हैं इस चैलेंज को, तो फिर आपकी पनिशमेंट ये है कि आपने एक पॉट डालना है ऑफ बॉइलिंग वाटर, योर वाइल यू आर हीटिंग इट ऑन द गैस और ऑन द स्टोव यू हैव टू ड्रिंक इट विद अ स्ट्रॉ, दैट बॉइलिंग वाटर मस्ट बी कंज्यूम्ड बाय यू। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, और क्या अट्रैक्शन है, क्यों लोग इनको इतना आगे ले जा रहे हैं, क्यों इतने ये ऐप जो है इतने मिलियंस ऑफ पीपल ने अपना अकाउंट क्यों खोला है, व्हाई आर पीपल जॉइनिंग आउट हियर।
एक तरफ मीडिया कहती है दैट इट इज मेकिंग हेडलाइंस, क्लिक बेट हेडलाइंस हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं. दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट बोलती है इसको बैन कर देना चाहिए. क्या इसको बैन कर सकते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट मैसेजिंग सिस्टम को बैन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या रियलिटी है? आज वी विल ट्राई ऑन दिस स्टेज टू रियली ब्रिंग दैट आउट. So I have an excellent panel with me, from very diverse panel. So let me take you through and get the panel to join me. Jiten Jain is CEO of Voyager Infosec. Jiten, if you can join me. Give him a big hand, please. Jiten, it's all numbered. Please do join us. May I have Gauri Ishwaran? She's the founder principal for Sanskriti School. Ma'am, thank you so much. Abhinandan Sekri is CEO for newslaundry.com. Abhinandan, thank you for joining us. Come. Karuna Nandi is advocate for Supreme Court. Karuna, thank you. Great to have you here. And also joining us is Ileana De Cruz, an actor. I'm sure I don't need to introduce her. Thank you, Ileana. टॉपिक थोड़ा सा अलग है. नीड्स अ वेरी डिफरेंट थॉट फ्रॉम द पैनल एंड द पैनल इज ऑल्सो वेरी डाइवर्स. सो सिर्फ दो रिक्वेस्ट हैं मेरी बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट. वील कीप एवरीथिंग एज शॉर्ट एज पॉसिबल. एंड द सेकेंड, दिस इज नॉट रियली एन एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन आउट हियर. वी आर ट्राइंग टू गेट टू एक एक्चुअल कोर के ये क्यों हो रहा है, द व्हाट, द हाउ, द व्हाई एंड हाउ डू वी गेट रिड ऑफ समथिंग जो कि इतनी आगे और इतनी जल्दी बढ़ रहा है. सो I'm going to start off right from here, Ileana. Blue Whale Challenge ke bare hum log ne baat ki thi just off panel also right now. What is your opinion? And I want this to be the first question to the entire panel. Aapka opinion ek Blue Whale Challenge, ek sirf ek base hai, aap ye yaad rakhein as an audience, ki Blue Whale Challenge almost already redundant ho chuka hai. Almost 10 se leke 12 aur variations iski aa chuki hain. So, आप कह सकते हैं कि ब्लू व्हेल चैलेंज को बंद कर दीजिए, जो कि वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट फ्रॉम अदर पैनलिस्ट कैन इट बी डन. बट उसके और बहुत सारे वेरिएशंस ऑलरेडी आ गए हैं. द पॉइंट आउट हियर इज के ये क्या अट्रैक्शन हो सकती है यूथ की टुवर्ड्स समथिंग सो डेडली. कहते हैं ह्यूमन बींग का सबसे बड़ा इमोशन होता है सेल्फ प्रेजर्वेशन, यू डोंट वॉन्ट टू डाई. ग्रेटेस्ट फियर होता है डेथ. और यहाँ पे यंगस्टर्स आर एम्ब्रेसिंग इट, दे आर सीकिंग इट. And they are saying, I want to be part of it, and in thousands. Kya lagta hai aapko ye? Kya? What is this new thing? Well, firstly, I think ki jo main cheez hoti hai, you know, with teenagers, it's peer pressure. You have this constant need to feel accepted. Or when I was in college, you know, I faced the same thing. Lekin, I think mere hisab se it was ragging, it was bullying, it was trying to be like everybody else. And I think, unfortunately for us, we've reached a level now where you have something like this Blue Whale Challenge that probably says ki, you know, agar aap ye kare, these 50 steps, you'll probably be accepted by everyone. And I think it's really shameful, and it's just upsetting that kids nowadays actually feel that they need to take this drastic step to feel that accepted. Maybe, I'm assuming that's what it is. And I don't really know. I think it does come down to your mental state of mind. Or shayad if we maybe increase the amount of mental awareness and increase the amount of mental education in children and try to explain to them that this is not how you get accepted, maybe we can see a change. But I have a feeling ye jo main reason hai, it comes down to just being accepted and them wanting to feel accepted. Aapne do bahut interesting points kiye, jo bhi choti moti study abhi tak hui hai, vulnerability of the youngsters jo inko join kar rahe hain, wo kya state mein hai, depressed state mein hai, that is usually the first attraction. And the second is very true ke jab aapka peer pressure aapko reject kar raha hai, the peer around you is rejecting you, to an anonymous group from all over the world wo aapko agar taaliyan de raha hai ki aapne challenge complete kiya, ye bahut badi baat hai. Lekin schools ke liye, especially for school children and for your role, isse zyada frightening time, have you ever lived in a more frightening time than you live right now, jahan pe agar social media na hota, technology jahan pahunch gayi, agar wahan nahi pahunchi hoti, to ye sirf
within a group of 5-6 friends mein koi agar ek karta to ho jata. Jo level of amplification hai, is this the most frightening time for an educator like you? Actually aap dekhe to generally the world itself is the most frightening time now. And ye do blue whale challenge aa gaya hai, isme bahut sare reasons hain. One is ek India mein what she just mentioned to, hum log mental health ke bare mein sochte nahi hain. So apart when these children respond to peer pressure, there are a lot of young people with depression today which is unnoticed either by family or society or by them, which could come from peer pressure, not getting grades. So when something like the blue whale challenge aa jata hai, they kind of feel that it's some kind of a self-worth. And in the end, they feel, I'm not going to anyway get good marks or good grades. Let me go out in a flash of light. Then I'll become a legacy. You see, if you read the chat room talk, usme aapko ye aayega ki kaha jata hai ki you will become a legacy. Ek legend ban jaoge. Tumhare naam hamesha ke liye rahega. In fact, if I don't think people have connected, but if you look at the way the young suicide bombers of the ISIS are trained and brainwashed, it's in a way a similar thing. You present to them something very grand, very great, something which they find they can't aspire to in their daily life. So isi se unko they kind of attract them. Dusri baat hai, I think aajkal ka jo hamara education system hai, wo bhi fail kar chuki hai. Kyunki hum itna pressure laga rahe hain on content ki kitna maths aata, kitna physics aata hai, but we do not pay any attention ki unka character kaise develop ho raha hai, aur jaise ye challenges of social media hai, usko aap kaise face kar sakte hain. Dekhiye, jo bhi invention duniya mein aaya hai, usme achhi side bhi hai, buri side bhi hai. Aur hamare duty as educators hai ki bachchon ko sikhaye ki what is the good side and what are the pitfalls. Tabhi bachchon ko jab wo life mein crossroad mein aayenge aur sochenge ki hum right mein jaye ki left mein jaye, tab unko kya hum education ke through humko unko kya madad dete hain. Aajkal ki education system mein bilkul hi help nahi karte hain. Jab wo ek chat room mein chale jate hain aur jab peer pressure aa jati hai, unke paas hum wo knowledge of tools nahi diye hain ki hum usko kaise Before I move on, ek maine chota sa ek poll karna hai with everybody out here. Normally, jab bhi hum log in type of challenges ki baat karte hain, challenges are only becoming more and more deadly. Depression, usually, vulnerability is the one that comes out first. But maine ek show kiya tha, I had about 300 college students out there, and usme unhone ek aur reason diya tha, and they were bright, young, happy kids. So all of you who are bright, young, happy kids, or at least bright, young at heart, I'd like to know from all of you, with a show of hands, curiosity, kitna bada factor hai. Would you do this only ki aap dekhna chahte hain ki ye kya challenge hai, aap itne iske bare sun liya hai, kuch logon se aapne apne peer group mein bhi dekha hai ki they are talking about it. Would you try this out just for curiosity, saying, do teen challenges kar lenge, uske baad I'll get out of it? How many people would do it? Okay, there's one person, all the others are all lying. So that's the interesting part, ki blue whale challenge mein actually ye bhi pata chal jata hai ki kitne sach bolte hain, kitne log jhoot bolte hain. Jiten, I think aapse main, hum log kafi baat kar chuke hain iske bare mein. Let's get to the crux of it. Ye kaise khela jata hai? Jab government bolti hai isko ban kar dein, to how foolish are they being? Log isko kaise dhoondte hain? If I want to be part of the blue whale challenge, main kaise I can become part of it, aur mujhe kaise dhoonda ja sakta hai? How am I hunted down for it? Dekhiye, blue whale challenge jo hai, ye game koi app nahi hai ya koi particular website nahi ki jahan pe aap ja ke dhoond sake ya download karke khel sake. It's basically a concept where there are 50 challenges. You have to accomplish them one by one. Initial 8-10 challenges are less harmful. और जैसे ही आप 8-10 चैलेंज पूरे करते हैं, जब आप उस गेम के अंदर रम जाते हैं, तो देन दे द क्यूरेटर जो गेम का होता है, जो उस चैलेंज को पीछे से चला रहा है, वो आपको धीरे धीरे सुसाइड करने की तरफ लेके जाता है, जिसमें चैलेंजेस हैं, आपको सुबह उठ के एक भूत की मूवी देखनी है, आपको अपनी नस काटनी है, आपको छत के ऊपर पाँव लगा के लटकना है, आपको क्रेन के ऊपर चढ़ जाना है,
आइडिया ये है कि भाई धीरे धीरे जो बच्चे जो लेफ्ट आउट हैं, जिनको जिनको एक फीलिंग ऑफ नॉट बिलोंगिंगनेस है, या फिर जो सोसाइटी से एक वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस चाहते हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, वो इस दुनिया में आके इन लोगों से एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और अगर वहाँ पे ये लोग नहीं करते तो उनको यहाँ पे भी गालियाँ मिलती हैं, तो एक मजबूरी सी हो जाती है कि अब मुझे इस चैलेंज के अंदर आगे खेलना ही खेलना जाता है। तो अब ये जो गेम है ये चैट फोरम्स के अंदर खेला जा रहा है, गेमिंग जो वेबसाइट्स है उसके अंदर भी आप चैट कर सकते हैं, वहाँ पे इस गेम को खेला जा रहा है। आप सीक्रेट सोशल मीडिया ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे सीक्रेट ग्रुप बना सकते हैं, और जो क्यूरेटर इस ग्रुप को बनाता है ये इंश्योर करने के लिए कि आप इस गेम का पार्ट हैं कि नहीं है, हर चैलेंज के बाद आपको अपनी एक सेल्फी आपकी नर्स कार्ड के या छत के ऊपर खड़े होकर आपको एक सेल्फी पोस्ट करनी होती है। और अगर आप ऐसा करने से मना करते हैं तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी जो मैंने आपका डेटा हैक किया है मोबाइल का कंप्यूटर का, आपकी जो निजी ज़िंदगी की जानकारी या जो भी आप कर रहे हैं आपके किसी से कन्वर्सेशंस हैं वो आपके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा और आपकी फैमिली को भी परेशान किया जाएगा। तो एक बार कुछ जो लोग क्यूरियोसिटी के कारण इसको खेलना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि यार मैं तो मतलब जो लोग सोचते हैं कि इस अगर सुसाइड करना इतना ईजी नहीं है, मैं इस झमेले में नहीं फंसूंगा, आई जस्ट वॉन्ट टू प्ले इट फॉर क्यूरियोसिटी, ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका ब्रेन वॉश हो जाता है 10-15 स्टेज खेलने के बाद और वो उसमें आगे खेलते हैं, उनकी मजबूरी है कई बार चाहने के कारण, कई बार फॉर द सेंस ऑफ एडवेंचर, कई बार फॉर द फियर ऑफ ब्लैकमेल, एंड उसके बाद जो उसका रिजल्ट है दैट इज डेथ। और इससे बाहर निकलने का फिर रास्ता नहीं है। अभी कोई बहुत कम चैलेंजेस ऐसे हैं जिनको आप 49 स्टेज पे जाके बच्चों को बचा सके। आप जो सुसाइड्स हो रहे हैं उनके हाथों पे जब लिखा होता है कि यू नो आई एम अ वेल, तब जाके आपको पता चलता है ये भी एक ब्लू वेल गेम खेल रहा था। जो दूसरा आपने सवाल पूछा इसको रोके कैसे, जो सरकार जो ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है हम वेबसाइट्स को बैन कर देंगे, वी विल नॉट अलाउ एनी इनिशिएटिव विच यू नो इंस्टिगेट्स डेथ और सुसाइड्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्लॉक दिस गेम टेक्निकली, इट्स अ टेक्निकल चैलेंज विच इज इम्प्रैक्टिकल टू बी यू नो डेल्ट बाई सेंसरशिप और एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेड। एंड यहाँ पे ये दिखता है जो हमारी सरकार है जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें शायद एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग का गैप है, वो शायद समझ नहीं पा रहे कि ये गेम है कि ऐप है का ये कंसेप्ट है, और वो खाली बस एक यू नो जो प्लेइंग टू द गैलरी के लिए बयान देना हम सब कुछ ब्लॉक कर देंगे। आई थिंक इट इज यू नो गुड दैट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू डू समथिंग बट इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल। अगर इस गेम को बैन करना है या रोकना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, एक कि आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर थोड़ा नजर रखें, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वो कर रहे हैं, अपनी नसें काट रहे हैं या रात को खड़े होकर कहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को टीचर को इन्फॉर्म करें। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, एवरी टाइम टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग हमेशा आजकल आई थिंक इट्स बिकम द इजी वे और द पास आउट और द कॉप आउट इज के हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली गिवन टू द यूजर कि आप करिए, आप अपने फ्रेंड्स को देखिए, आप इफ इट वॉज दैट ईजी जो ये प्रॉब्लम्स हैं जो हर रोज एग्जैजरेट और एम्पलीफाई हो रही हैं, वी वुड हैव स्टेम देम डाउन। बट आई विल कम बैक टू इट। अभिनंदन, एक और सोच है यहाँ पे कि 2 महीने पहले नोबडी न्यू अबाउट द ब्लू व्हेल चैलेंज, नाउ वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु डोंट नो अबाउट इट। और एक थॉट प्रोसेस है कि क्योंकि मीडिया ने उसको इतना हेडलाइन दे दिया, इतना हाइप कर दिया, आज हम ये शो कर रहे हैं विच इज गोइंग आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, हम लोग शायद डिससर्विस कर रहे हैं बिकॉज जितनों को नहीं पता था वो भी अब उनको पता चल जाएगा, क्यूरियोसिटी विल स्टार्ट ऑफ, हेडलाइन एंड क्लिक बेटिंग विल मेक इट ईजियर कि लोगों को पता चलेगा, जो क्यूरियस हैं, जो वनरेबल हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, जो एक्चुअली पीयर प्रेशर के बीच में दबे हुए हैं, वी ओनली मेड इट ईजियर बाय इन्फॉर्मिंग मोर पीपल। इज दिस ट्रू? नो, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। आई थिंक हर जनरेशन को लगता है कि वो कोई एक यूनिक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। सब जो प्लेटफॉर्म होता है, जो जो जिस तरह वो प्लेटफॉर्म सोसाइटी में प्रोलिफरेट करती है वो बदलता है। अब आप सुसाइड्स की बात कर रहे हैं, आई मीन ऑन अनरिलेटेड नोट, लोग बोलते हैं कि आजकल इतना यू नो हिंसा फैल रही है, द वर्ल्ड इज सो वायलेंट। अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो 40 से आज तक वर्ल्ड इज अ लॉट लेस वायलेंट, इट हैज़ नेवर बीन सो डिवाइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज इट इज टूडे। लेकिन क्योंकि हम इमेजेस देखते हैं हमें लगता है बहुत है। आपने अभी बोला कि ये सुसाइड प्रॉब्लम एम्पलीफाई हो रही है, एम्पलीफाई नहीं हो रही। अब चार्ल्स मैनसन को देख लीजिए या हेवन्स कल्ट कैलिफोर्निया में, आई थिंक ऑस्टिन में 900 लोगों ने अपने आप को मार दिया था, डेरा सच्चा सौदे देख लीजिए। ये मतलब ट्विटर पे तो नहीं उसकी फॉलोइंग हुई ना, मतलब तो ऐसे बथेरे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। हमें बस लगता है कि बॉस अब क्योंकि ये ज़्यादा विजिबल है तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, बस यही है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, तब के लोगों ने बोला था कि पता नहीं क्या क्या प्रिंट करके लोग
बेच देंगे, मतलब द डेविल्स वर्ल्ड कि आपके ब्रेन पावर खत्म हो जाएगी क्योंकि अब आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, इट कम्स आउट एज अ प्रिंटेड टेलीविजन. नील पोस्टमैन ने अपनी बुक में कहा था एंटरटेनिंग असेल्स टू डेथ की टेलीविजन के आने से तो मतलब कांड ही हो गया, दुनिया खत्म हो गई. ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग मोर इन्फॉर्म्ड. तो सोशल मीडिया का भी एक नॉर्मलाइजिंग फेज आएगा. और यू नो लाइक माई फ्रेंड हियर सेड, आई थिंक सोशल प्रेशर्स जो होते हैं और जो सोशल एक नॉर्म्स होते हैं वो एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं जैसे जैसे सोशल इंटरेक्शंस चेंज होते हैं. जब सोशल इंटरेक्शन सिर्फ बार्स या टैवर्न्स पे होते थे या गुरुकुल या नुक्कड़ पे होते थे, अलग किस्म का एक डायनामिक होता था. फिर फ़ोन आया, अलग किस्म का डायनामिक हुआ. तो इसका भी एक डायनामिक अचीव होगा. लेकिन ऑल इन ऑल आई थिंक जो वायलेंस है इसको लेकर वो कम हो रहा है, हालांकि लगता है कि वो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम ऑल द टाइम कनेक्टेड हैं. वैसे आपने एक और बिल्कुल वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ माइंड जो आपने छेड़ा, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू डू इट, बट यू नो हाउ स्टैटिस्टिक्स कैन बी इजीली वर्क्ड टू मेक एनी पॉइंट. आई थिंक यू यूज्ड वन ऑफ दोज. सिर्फ एम्पलीफिकेशन नहीं है, आई स्टिल बिलीव दैट द नंबर्स आर ऑल्सो टेरेबल, बट आई कम बैक. आई थिंक देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. करुणा, आई थिंक द ऑब्वियस वन आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू इज, लॉ कुछ कर सकता है? गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? What can people do? लोग बोलते हैं कि अगर GST और demonetization पे गवर्नमेंट ने इतने करोड़ों इन पब्लिसिटी एंड नॉलेज कैंपेन्स उन्होंने डाल दिए आउट, why not for something like this? इसमें पेरेंट्स को अवेयर करना, अपने लोगों को बताना कि मोस्ट यंगस्टर्स टेक इट टू बी दैट इट्स कूल. अ कैंपेन टू टेल देम इट्स नॉट कूल, इट्स एक्चुअली फूलिश, वेरी अनकूल, कुड वर्क. बट कुछ भी नहीं है अदर देन अ फ्यू पॉलिटिशियंस हु सेड इट. Can law do anything? You know, when it comes to responsibilities, when it comes to children, there's a very different kind of responsibility. And you know, usually people are trying to pass the buck. Sab log kehte hain ki kisi aur ki zimmedari hai. To hame bahut acha laga ki Mrs. Ishwar keh rahi hai ki nahi, hamari zimmedari hai in part. Dusri baat ye hai ki jo Jitendra Jain keh rahe hain wo kuch had tak bilkul sahi hai ki it's very difficult to curtail any information, you know. Ek taraf se main ye bhi kehna chahungi, and we were, as he just pointed out, we were both on the same side on the online free speech case, that dekhiye jo ki internet kharab hai ye uski tulna mein aap kya kahenge, paper kharab hai, you know, tv kharab hai, nahi paper kharab nahi hai, us pe jo likha jaye wo, that varies, right? So therefore, we should not demonize the internet in that way, right? Because there's a lot that, if you look at the Khan Academy, there's a lot that children can learn. So, and in fact, they can get better education very frequently than they can from their schools, you know. Enrollment rate is extremely high. The quality of our education is very bad. Can the law do something? Look, in terms of, you know, Jiten is not wrong in saying that it's very difficult to curtail things on the internet. But I think it's also possible to make it more difficult, a lot more difficult, right? To get children and adolescents, at the very least, to access something like the Blue Whale Challenge. And I think it is absolutely the central duty of the government to do this. The matter is before the High Court. The High Court has issued notice. Incitement to self-harm, this to me seems a very low standard to reach, you know, and this is exactly what's going on here. Incitement to suicide, it's a very serious thing. So what can the government do? Now the government has blocked, I think, lipstick under my, I mean, the government has blocked all sorts of things that should be watched by people. There were 730, I think, websites blocked, what, in the last year or something, you know? And so instead of doing this, that perhaps constructively what can be done is to, at the first instance, block the Blue Whale Challenge, which I don't know if has been done yet or not, but if it hasn't, it's egregious. This, because it's very easy to get around that. I suppose children are watching this show. It's very easy to get around that. You can... Don't worry. Everything that you can say, they already know it, and they'll actually add a lot more to what you're saying. So, well, not really, but it's true that the children are far ahead of their parents. That is true, you know. And so I was talking to a crowd of university students. So, we were saying that, look, you have to think a little bit about what you should do in this age, or not to do it, and for your discipline, for your own discipline,
हो सकता है आप चूक जाएं इस मामले में, यू नो. सो इन्वॉल्व योर पेरेंट्स. योर पेरेंट्स डोंट रियली नो व्हाट दे आर डूइंग फॉर द मोस्ट पार्ट. इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, यू नो, लाइक टेल देम दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट आई एम रियली लुकिंग एट, यू नो. आई एम नॉट जस्ट लुकिंग एट एजुकेशनल स्टफ. And so if you if the government, coming back to the law and the government, if the government blocks something, then you download a VPN line and it's really easy to see the internet of the Netherlands or to see the internet of another country, you know, of the US, etc. At the click of a button, it's very easy. So if there is one jurisdiction that has, continues to have, say, the blue whale challenge, then it's very easy for a kid to get to it. There are other technologies being developed, and it's quite fast for parents to use to monitor what kids are looking at and to precisely sort of, you know, look at particular websites and make sure that the kids are not accessing that. Also, I think that, you know, look, there should be criminal remedies in such cases. And incitement to suicide, it's not a minor thing. Okay, so I was going to come to you, but I think Jiten is about to bust a gut because all the time that you were talking, he was actually going, no, 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 no. So I'll just going to give you a quick chance and then I'll come to Elena. Yeah. You were vehemently saying, no, no, no. What part don't you not agree? No, no. Only thing is that, you know, when you ask me how do people find these websites which are offering blue whale challenges, I do not answer that question, intentionally, because I don't want people to understand and then go playing it further. पर मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो हमारी सरकार की मेंटालिटी है कि अगर मर्डर्स रोकने हैं तो चक्कुओं की सेल बैन कर दो, खाना कहाँ से बनेगा. एंड देन अभी देर इज़ अ न्यू फरमान फ्रॉम CBSE दैट नो गैजेट विल बी अलाउड इन द स्कूल्स. सी ऑन द हिंड साइड इट लुक्स वेरी नाइस दैट यू नो यू हैव बैंड ऑल द गैजेट्स, नो मोबाइल, नो टैबलेट्स, नथिंग विल बी अलाउड. वॉट अबाउट द स्कूल्स विच मेड पेरेंट्स टू बाय फैंसी लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स फॉर द किड्स टू डू होमवर्क. सेकंड, वंस यू हैव डन दैट, you have technically said that since there are no tablets now allowed in the schools, we have done away with our responsibility of educating children how to be responsible users of social media. Kyunki ab to ab koi aapko puchega ki bhai school agar social media workshop karna chahta hai ki bacche Facebook ka acha istemal kaise kare, responsible user kaise bane, sexting kyun na kare, blackmail se kaise bache, cyber bullying se kaise bache, ab aap kar nahi sakte because aapne to already sab ban kar diya. Agar aap ye karte hain to iska matlab ye ki aap bachcho ko allow kar rahe hain. To ye jo reactive policies hai hamari ki instant mein sab ban kar do aur ban karne se sab theek ho jaye. You have to understand this is a challenge of technology. ये समय की तरह रोक नहीं सकते आप. आप इसके साथ अपने आप को बदल लीजिए और उसके साथ अपने आप को समाहित कर लीजिए तो आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे. इसके लिए मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा जो मैम ने कहा, और आई एग्री दैट लॉ कैन यू नो पुट लॉट ऑफ डिटरेंस इन प्लेस, बट इन्फोर्स कैसे करेंगे? आप जो क्यूरेटर को पकड़ ही नहीं सकते. आज तक 0.01% तो यू नो प्रोसिक्यूशन रेट इंडिया में नहीं है, बट लोग पकड़े ही नहीं जाते. और अगर आप पकड़ भी ले तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है. कोई रशिया में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, तो कोई ट्रीटीज नहीं है. तो टेक्नोलॉजी विल नॉट, लॉ विल नॉट गिव यू आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड जो आपने बात कही, नो दैट्स नॉट करेक्ट एक्चुअली जितेन, बिकॉज इफ यू लुक एट द इफ यू लुक एट इंटरपोल, इंटरपोल हैज वेरी मच टेकन इट एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज द इंटरनेट इज समथिंग दैट इज एवरीवेयर. हाउएवर, लॉ एनफोर्समेंट सो फार हैज बीन कंट्री स्पेसिफिक, राइट? स्लो, country specific, and therefore there has been a major gap there. However, the law is catching up, and you know, mechanisms are catching up. Now look, there will always be, technology will always be ahead to a degree, but how many 15-year-olds will be able to be there to that degree? Not that many. And quite apart from the fact that when there is a criminal offense, if you have Interpol involved, and Interpol has taken on that responsibility, not ICANN, not other organizations. Yeah, but Rajiv, so let me be quite clear on that. Yeah, that law, when there know, is a criminal offense, and here, if I may just finish, Jitin, there may be a criminal offense here, you know, right? I said it then will be. In that but case, how do you enforce? I mean, everybody I'm knew giving you the that answer. Killing people is a criminal Interpol. Offense. Rioting is a criminal offense. Every week there are riots in India on these Baba issues. Law enforce kaise hoga? See, we cannot run away behind law and behind policies. What I'm trying to say that, you know, if not banning, then people come up and say that, okay, then parents must use monitoring and surveillance app on the children. You know, have we debated the ethical question of snatching the freedom and privacy of a child? We all will stand up when they say Aadhaar ka privacy issue hai, ya fir, you know, when government is surveilling on the citizens, but we all want to say ki, yes, let's surveil on all children. I mean, this is not good. Instead of snatching their freedom, please give them responsibility. The biggest responsibility here lies with the parents and school teachers. They must have regular workshops like you have for English, geography, maths, that how do you use Facebook, when to come on Facebook. If you say that I don't want you to be on Facebook, the child will go on Facebook and he will never tell you that he's on Facebook. There are many parents who say that hamare bacche Facebook mein nahi hai.
बट सबके बच्चे फेसबुक पे खाली उनको ब्लॉक करके रखा है और जो हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा तो कुछ लिखता ही नहीं है एक्टिव ही नहीं है वो सब रिस्ट्रिक्टेड मोड में है See, in the end, it comes to education. So you have to educate people. You see, technology has come for better or worse. It's not going to go away. It's a question of how we deal with it. And answer comes to education. And I think parents and educators, schools do have a responsibility. And so it's through workshops, regular interaction in school, also strengthening their moral character. After all, in the end, when you say no to something, it comes from an inner strength that you have, and that inner strength will develop through how we impart education in schools. Because ultimately, these challenges, now you're talking about blue whale, tomorrow it may be something more deadly. How do we teach our children to say, enough is enough and no more? It will come only from the inner strength and the inner dignity and the inner anchor that the child has. And it's the responsibility of parents, schools and society in general to strengthen our children to say no to these things. And you are talking about blue whale challenge. There's so many things when they go out into the world and there are immense challenges they face. You know, we talk about bullying. Bullying is the most soul-destroying thing that a child can undergo. Now, if we can deal with that, help a child to deal with that, the child will never go to blue whale. So you have to think of ways of how we educate and arm our children through their characters to face these challenges. Great. So, Ileana, ek aur cheez ke bare baat karte hain jo ki bahut connected hai in sab cheezon se, and that is glorification by media. Especially movies and TV. Ek TV series tha, went on to become one of the most watched TV series on the globe, and that is 13 Reasons Why. Glorification usme hai suicide ki. Usme wo keh rahe hain, the puri ki puri story hai about a girl that kills herself right from the beginning. And it became a huge hit. How many people have seen 13 Reasons Why? Okay, so average age would be about 18. Okay, sorry, we just went up to 19 now. Okay, so glorification. I personally haven't watched it, but is it actually glorification of suicide, or is it more of the real reason behind the suicide? Okay, I think it's more what Ileana said. I'm afraid I have to. Yeah, I completely disagree on that. I'm not supposed to be a panelist, but I completely disagree. I think it bahut bahut totally glorification hai jo aapne kaha tha ki it tells you ke आप ये करोगे तो यू विल बिकम अ लेजेंड लोग आपको याद रखेंगे जो प्रॉब्लम्स थी जो रीजंस थी फॉर व्हाई शी डिड इट वर वेरी स्मॉल उसका पेयर ग्रुप बहुत अच्छा था उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे बट स्टिल शी वेंट एंड टुक दिस थिंग एंड द एंटायर 13 पीपल शी ब्लेम्स और सारा का सारा इज हर ओन वॉइस सो अ लॉट ऑफ टीनेजर्स थिंक दैट आफ्टर डेथ आई कैन स्टिल टॉक टू एवरीबडी टेल देम हाउ रॉन्ग दे वर बट दैट्स जस्ट वन एग्जाम्पल बात करते हैं अबाउट हाउ movies and TV, especially the amplification effect of how people follow an actor like you. Ye jo hum log ka naya world hai, where a TV series can lead to all kind of actions that can be taken, and jo aap karte hain, usse logon ki personalities develop hoti hain. Is there a fine line jahan pe aap khud nervous ho jati hain as to the impact you have? You know, I hate it. I really do hate it when people say that, you know, you're a role model and people look up to you and you should be an inspiration. I'm a human being. I am an imperfect, flawed human being. The last thing you should do is look up to me. But I think the one thing that people, and again, it obviously comes down to education, because we keep going on about the fact that, you know, oh, you shouldn't show drinking on screen. You shouldn't show smoking on screen. You shouldn't show substance abuse on screen. You're playing a character. You're trying to tell a story. It not necessarily means that you should be following this kind of behavior. And again, it comes down to, like we said, education. You're supposed to be teaching your kids to be strong people, not to excel in maths, not to excel in science. You're meant to make them strong people from within. And I think if you attain that, then none of this really matters, because people will look up at a TV show if it involves substance abuse or anything violent or whatever, and they'll go like, okay, you know, this is the bad side of the world and this is what we shouldn't be doing. Not like, oh, maybe we should be doing this because, you know, this actor is someone we like. So I think people, the educated ones or maybe the ones who are stronger, probably understand that. I mean, it's a very complex situation. I don't know if we have the time for it, but I mean, when you spoke about the suicide thing,
I'm on two minds, you know, when it comes to that, because I myself have gone through depression. I myself don't know why I went through depression, because I've had a great childhood, I've had a great life, I have a great job, I have an amazing family, amazing friends. You look at all the statistics and you're like, why would you go through depression? You know, why would you go through these suicidal feelings and why would you feel that? And you don't really understand that. But that again comes from yourself, your own insecurities, your own strength. And even though I might have had great teachers, sometimes you do need that other side of education, which is mental health checkups, which is basically checking yourself to see you don't realize, you know, where something is going wrong with you mentally. So I think that's very important, and people don't really focus on that. Okay, so one piece of good advice coming in. Let's quickly now go down the panel. And we do this. Some practical advice. I think already we've talked about knowledge, information, education, self-worth. Yet, I think काफी सालों से this is what we have been hearing. Anything else that we've been missing? Because अगर ये सारी चीजें हम लोग को already पता हैं और हम लोग ये ठीक कर रहे हैं, can we talk about irresponsibility also here? And that is कि जब a politician or the government or an announcement is made कि इसको ban कर दिया, हमने Facebook और Instagram से बात कर ली है, a lot of parents जो के डरे हुए होंगे, they will say ठीक है. Up to government has got involved, Facebook, Instagram is ban kar dega, all the chief ministers are saying kar denge. Jo irresponsibility on statements se aati hai, how much worse does it make things? Actually, irresponsibility is there in a long, bahut sara hai. Jaise, I'm going back to something else. We all know, jaise aap kahein ki hum log sabko maloom hai what the problem is. We also know solution kya hona chahiye, but lekin how many people are providing those solutions. School mein kitne log bachchon se baat kar rahe hain about the good and bad of the internet and social media. Do schools have counselors? Because jo bhi log kahein, and maybe many parents are not aware, aajkal depression among school children from as young as class 4 and 5 is very much there. And it is increasing. To schools mein counselors hona chahiye. Even schools that have high paying fees, they are irresponsible when they don't have enough counselors. If you have 3,000 children or a counselor ko rakhe, toh how is it going to help you? Secondly, how many schools and colleges call experts ki bachchon se baat kare? What is the meaning of social media? What are the plus points? What are the minus points? How do you take care of yourself? Also, many of you can take a call on how many schools and colleges have any kind of classes or talks on self-worth, understanding yourself. Hamari is duniya mein kya jagah hai? What are the values that I have within myself? Hum log ye sab schools mein jab nahi karte hain, colleges mein nahi karte hain, ye bhi to ek bahut badi irresponsibility hai. And dusri baat hai, parental supervision bhi kam ho gaya. Parents have, wo pehle hamari joint family rehti thi, ab nuclear family ho gaye. Both parents have got to work. So, bahut sare issues aa gaye hain. And isme, I think education institutions actually have to step in and play a major role. And unfortunately, hamari desh mein, they are utterly irresponsible, even in government schools where this is concerned. Okay. Something practical, jo obvious nahi hai, jo hona chahiye, that can actually change this, because ye sirf aur hi aur bade ja raha hai. छोटी छोटी बेबी स्टेप्स हैं. जैसे आपने स्टारडम की बात करी मूवीज की, आई एग्री विद एलेना दैट मूवीज के अंदर अगर किसी को स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते दिखाया जाता है, सब यू नो इट्स दिस मूवी, इट्स ओके. बट जहां बॉलीवुड स्टार्स अगर पोकेमोन जैसे गेम्स को ट्विटर पे इंडोर्स करते हैं, यू नो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, तो बच्चे भी फिर उनको देख के खेलना चाहते हैं. आई थिंक दोस थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग दैट यू नो सेलिब्रिटीज शुड नॉट प्ले गेम्स लाइक पोकेमोन, प्लीज डू प्ले, बट आप उसकी फोटोज फिर ट्विटर में मत डालो. यू हैव गॉट लैक्स ऑफ फॉलोवर्स, पीपल यू नो एस्पायर टू बी लाइक यू, दे वांट टू आल्सो हैव दोस मेनी पोकेमोन गेम्स. सेकंड, आई एग्री विद करुणा, आई थिंक आई गॉट मिसअंडरस्टूड, आई एग्री विद हर दैट यस, लॉ विल पुट सम सॉर्ट ऑफ डिटरेंस इन प्लेस बट विल नॉट गिव यू आंसर्स. एंड आई एग्री ऑन द सेम लॉजिक दैट टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो नॉट गिव यू द सेम आंसर्स. सो पुटिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस ऐप और मॉनिटरिंग ऐप दीज डेज ऑन द किड्स लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स विल नॉट वर्क. दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो हाउ टू यूज अ प्रॉक्सी. They know how to use anonymous mode. They know how to have a separate mobile phone. We have an era where government is offering free Wi-Fi. Companies are offering almost free cell phones, I think in 300-400 rupees. Logo ke paas do mobile phone hai, bachcho ke paas parents ko sirf ek hi number pata hai. So it's better to accept the fact that yes, they will
play these adventurous games. They will play this, you know, have be on Facebook. They will have conversations. But Jitin, if you educate them, if you sit with them. I want to know, ye hai problems. What's the baby step solution? One simple thing, please. स्कूल्स के अंदर हर महीने आप उनको प्रैक्टिकल वर्कशॉप दीजिए कि एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ, जैसे छोटी छोटी मूवीज के साथ, कॉमिक्स के साथ. ये तो ऑलमोस्ट वही हो रहा है जैसे आपने जब इलियाना को बोला कि प्ले पोकेमॉन बट डोंट पब्लिसाइज इट, बिकॉज़ ये तो एग्जांपल, अगर जब आप किसी को आपके सामने मरते हुए देखते हैं ना, आपको डर लगता है कि दिस कैन हैपन टू मी. जब आप किसी के साथ सुसाइड एक्सीडेंट होते हुए देखते हैं तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे दो हफ्ते तक आप भी गाड़ी धीरे चलाते सीट बेल्ट लगा के. तो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग दिस कॉन्वर्सेशंस, प्लेइंग दिस गेम्स, टेलिंग अ चाइल्ड दैट यू विल डाई एट द एंड ऑफ दिस गेम, यू विल नॉट एंटर इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, यू विल नॉट बिकम अ व्हेल, एंड टेलिंग दैट लुक एट दिस चाइल्ड, द डेड बॉडी जिसने ये गेम खेला, ही हैज नॉट बिकम अ व्हेल, ही इज डेड. तो शायद उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट सामने आएगा और स्कूल्स का बहुत बड़ा है. I mean, it's better to have the family's life in trauma after the child is dead. It's better to educate him. If we can save a life by threatening him or putting some fear in his mind, why not? Children are much brighter than we give them credit for. If we present all this to them, they understand. The whole thing nowadays is that they really don't understand the consequences in full because we have not educated them. But they're really smart. You have these workshops, they will go and fix the curator of the program themselves. So, Abhinandan, you're obviously not in favor of dead body education, ke unko dead body dikha ke educate kiya jaye. So can you tell me, aapka kya hai practical advice to people who are about to start playing Blue Whale? Theek hai, ek to ye Blue Whale pe I think baat wahin tak seemit reh gayi hai. Wo ek bahut chhota sa hissa hai internet ka. Main samajhta hu ki har yug mein, in every age, there is a predominant technology or a predominant value rehta hai. और वो प्रीडोमिनेंट वैल्यू हमेशा बिकम्स अ मोर ह्यूमेन वैल्यू एज इट बिकम्स अ ह्यूमन वैल्यू और टेक्नोलॉजी मेक्स यू नो अभिनंदन सेकंड टाइम आप यही कह रहे हैं एंड आई जस्ट वांट टू गेट इनटू दिस नाउ इवन दो आई हैव बीन टोल्ड सिक्स टाइम्स माय टाइम इज ओवर के द बिगेस्ट मिस्टेक कहते हैं कि इफ यू ओनली लुक एट हिस्ट्री और हर नई चीज को अगर आप डिसमिस करते जाएं कि अगर आप प्रिंटिंग प्रेस देखें, अगर आप टीवी देखें, अगर आप रेडियो देखें, ये वही चीज है. ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, कहते हैं कि पिछले 3 साल में जितनी टेक्नोलॉजी की इनोवेशन आई है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मैनकाइंड उस तरीके की इनोवेशन नहीं आई है. समटाइम्स यू कैन नॉट जस्ट मेक अ कंपैरिजन विद दैट. अगर अगले साल हम लोग यहीं पे बैठे हैं और ब्लू व्हेल हैज बिकम अ 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh पीपल हु हैव पास्ड अवे एंड डाइड, ब्यूटिफुल लाइव्स, यंग लाइव्स हैव बीन स्नफ्ड आउट, ये डिसमिसिव ऑफ it will all become okay could be the greatest challenge we are facing, much bigger than Blue Whale. Okay, A, if that happens, I'll take you out for dinner or whatever. But the point I'm making is the following, ki ek to hum har debate mein, har discussion mein, jis school mein hona chahiye, स्कूल आपके लाइफ का प्रिडोमिनेंट इन्फ्लुएंसर नहीं है, आपका घर आपका प्रिडोमिनेंट इन्फ्लुएंसर है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 12 साल बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, ठीक है? तो ये स्कूल है, स्कूल से कुछ नहीं होता, घर से होता है, जो होता है वो आपका प्रिडोमिनेंट इन्फ्लुएंसर है. तो मैं वो चीज़ बोलना चाहूँगा. और आप टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस इंट्रोड्यूस कीजिए इन एवरीडे डीलिंग्स, चाहे वो यू नो अपॉइंटमेंट है, कैब सेटिंग है, इट बिकम्स अ सेकेंड नेचर टू अस. और उसके दौरान बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आपको दिखेंगी, बहुत सी बुरी चीज़ें भी दिखेंगी, लेकिन आप उसका प्रयोग किस तरफ करेंगे वो आपका इमीडिएट फैमिली वैल्यू डिटरमिन करेगा और सोसाइटी वैल्यू डिटरमिन करेगा. और मैं एक और बात बता दूं कि स्कूल की रेलेवेंस, अगर हम ये स्कूल पे छोड़ दें, 15 साल बाद हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे और कुछ नहीं बदला होगा. क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉक है एक्चुअली ऑनलाइन, आई एम नॉट श्योर वेदर वो TED.com पे कहीं और है, एक प्रोफेसर ने दिखाया है कि पिछले 100 साल में स्कूल्स की रेलेवेंस कितनी रही है. तो अगले 2 जनरेशन में स्कूल की रेलेवेंस बहुत कम रहेगी, बहुत ही बहुत कम. क्योंकि पहले स्कूल के लिए आपको 24 किलोमीटर जाना पड़ता था, आप इंटरनेट देख के आप पूरे हार्वर्ड के लेक्चर्स, आप PhD कर सकते हैं. तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम को देखा नहीं चाहिए कि चलो सो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको एक यूनिक चीज़ समझिए कि आप बोलेंगे कि यू कांट कंपेयर इट टू हिस्ट्री, देन व्हाट विल यू कंपेयर इट टू? और तो कुछ पता नहीं हमें, तो हमें हिस्ट्री से कंपेयर करना पड़ेगा. ह्यूमन बिहेवियर वेरीज, इट डज, वी डोंट बिकम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, बेसिक वैल्यूएशंस, मोटिवेटर्स रिमेन द सेम. एंड आई थिंक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यस देयर आर प्रॉब्लम जो हमें सॉर्ट आउट करनी है,
लेकिन अगर हम उस प्रॉब्लम का इतना बड़ा बना देंगे तो वो मतलब उसको टैकल करना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा. मैं यही बोल रहा हूँ. Like I said, we are almost out of time. You have the last word, लेकिन बहुत ही short last word. देखिए, जब भी इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की बात होती है तो लोग डर जाते हैं. यू नो, टेक द सिचुएशन ऑफ अ कल्ट वेयर पीपल आर गोइंग एंड दे आर ट्राइंग टू कमिट सुसाइड. व्हाट डू यू डू इन दिस सिचुएशन? अगर बॉलीवुड की फिल्में हैं दैट इज ओनली शोइंग कल्ट्स, फॉर एग्जांपल इफ बॉलीवुड फिल्म्स आर ओनली शोइंग पेट्रियार्की एंड आर नॉट शोइंग वुमेन लाइक कंगना रनौत इन क्वीन, आर नॉट शोइंग वुमेन लाइक प्रियंका चोपड़ा इन बर्फी, यू नो, आर नॉट शोइंग वुमेन लाइक कल्कि इन मार्गरिटा, राइट? यू आर गोइंग टू आस्क what kind of, you know, what kind of culture is this and should my children or should I engage with it? That's one thing. The second thing is that the criminal law applies to the internet as well as it applies to anywhere else. And there are mechanisms that are being developed to make sure that it is implemented. Interpol, our country needs to catch up to a significant extent, right? The third thing is that, yes, according to the developing capacities of the child, main Abhinandan ki baat se bilkul sehmat hoon ki aapko engage karna bahut zaruri hai. And according to that, you also look at, because look, if your kid is joining a cult, there will be various steps. It's much easier to quietly at night sort of go onto the internet and engage with the Blue Whale Challenge, for example, as much as other things. And so therefore, to engage with the child and to monitor to the degree it is appropriate according to the child's evolving capacities, I think is essential. Just 5 seconds. Okay. अपने बच्चों को आप PlayStation से दूर करके आप playground से भेजिए, क्योंकि आज हो क्या रहा है, आप अगर घर जाके अपने 5-6 साल के अगर बच्चे को पूछे कि आपके best friend का नाम क्या है, you know, you'll be surprised, many of them might say Siri, the robot, a bot. So this is the era we are living in, where जो सामने वाला जो क्यूरेटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको आप जेल में डालना चाहते हैं, वो इंसान है कि रोबोट है ये भी हमें नहीं पता. एंड मेनी ऑफ द साइट्स, इंडिगो वेबसाइट, यू नो, एयरलाइंस, बहुत सारी कस्टमर केयर वेबसाइट जिनसे आप बात करते हैं, वो सारे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बॉट यूज कर रही है. आपको लगता है कि वो इंसान है, मगर आप एक रोबोट से बात करके अपनी जिंदगी में अफेयर भी चला रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं. सो वी हैव टू लुक एट दैट इरा, यू नो, विच इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी एंड लॉस, विच इज आई थिंक द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इरा. वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ डिजिटल एज. द रूल्स विल चेंज एंड रूल्स विल नॉट बी कॉन्स्टेंट इवन द नेक्स्ट वीक. It'll all be changing. So educating children is very important, and that is the only solution, I believe, no matter how difficult, no matter how expensive it is. Okay. So, ek panel jisme ki I think all, I know bahut sare questions honge. Let me find out. Can I take one or two questions? Is that a yes? Okay. So I'm going to start straight away. We'll just keep restricted to 2 questions really quick. It should be a question, not an opinion. Thank you, Rajiv. It's a wonderful discussion, but the point out here is youth for change. Change for what? Change towards society, change towards robotic. The future seems to be very clumsy, very sad. How exactly, what are the measures for it? We have to talk about it. We're just talking about, you know, just hold them up, you know, I mean, speak to them. These are tools, run the workshop and all. Until unless, ma'am, you have been in a school, you have been dealing with students, right? So what measures, until unless, you know, we will not put youth for change for what? For positivity. For vibrant, future is wonderful. This glorious evening, we are topping such a glorious topic. Future belongs to youth. So what measures we are going to take in regards with that? In we being the senior people, we being responsible for the young generation, if we will drop, you know, the points which I have jotted down, there are 20 negative points which I am taking from this panel discussion. Until unless, of course this is a discussion, until unless we will not discuss the positive side of their life to the youth is going to be difficult. What is your opinion, ma'am? No, but I don't think anybody is going to argue with that. Because obviously we will, when you say you're going to empower youth and make them feel good about themselves, it's about the future that you can manage. Life is full of challenges, but here are the tools. Overcome the challenges, you will make a better world. In fact, I used to tell my students, we have created all the problems. The hope is on you that you are going to make a better world. So I think positivity is implied. But when you talk about things being positive, it doesn't mean that you don't warn them about pitfalls that may appear in their life. If you don't tell them about pitfalls, you are also failing in your duty. You know, positive slogans, youth change for vibrant, youth, vibrant youth, changing for young generation, something like that. You know, some, Gandhi, again, you know. It is like what Gandhiji said. If you want a change, then you be the change. That's the message that I think this panel is giving. Great, thank you. Thank you very much. So I know there are lots of other hands, but I've been told again that I cannot take it. Some of the panelists, I'm sure, will be available, so maybe you can have a one-on-one with them. Sorry?
अच्छा कमाल खान जी कहाँ पे बैठे इधर इस तरफ एक सवाल ये है एक क्यूरियोसिटी कि ये जो क्यूरेटर है उसको बच्चों को सुसाइड करने से क्या फायदा है क्या कोई मॉनेटरी गेन है क्या जितने बच्चे पावर के यू कैन एक्चुअली लीड समबडी थ्रू द स्टेप्स कंट्रोल कि आप 50 दिन के लिए यू ओन दैट चाइल्ड और आप उनसे कुछ भी करवा सकते हैं सैडिस्टिक प्लेजर सैडिस्टिक लोग बच्चों के मरने पे खुशी आई मीन दीज आर यू नो प्रेडेटर्स आई मीन जस्ट दीज आर दे आर जस्ट लुकिंग फॉर सैडिस्टिक प्लेजर दे enjoy in seeing children die. That's the only thing. There is जो रशिया में एक क्यूरेटर हैं जो एक्चुअली जेल में फॉर 120 चिल्ड्रन दैट पर गेम पॉपुलर है अग्री कर चुके हैं कि मैंने उनको सुसाइड करवाया है अगर आप उनकी इंटरव्यू देखें तो इट विल लीव यू विल बी एब्सोल्युटली शॉक्ड कि उनके रीजंस क्या थे इसके लिए आई एम गोइंग टू शट दिस डाउन राइट नाउ बिकॉज बार बार मुझे बताया जा रहा है आई एम वे ओवर टाइम थैंक यू वेरी मच द पैनल हैज बीन फैंटास्टिक प्लीज गिव देम अ बिग हैंड